हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बाइकर्स। मैं हूं नीरज और आज हम बात करेंगे रॉयल एनफील्ड की जो नई गाड़ी आने वाली है मीटियोर 350 उसके बारे में। सभी लोग कह रहे हैं कि 2017 में कंपनी ने इंटरसेप्टर लॉन्च की थी और 2020 में रॉयल एनफील्ड लेके आ रहा है मीटियोर। वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज हैं मीटियोर को लेके, बट आज हम देखेंगे कि क्या नया आ रहा है इस गाड़ी में। आइए देखते हैं क्या है ये रॉयल एनफील्ड की मीटियोर। रॉयल एनफील्ड 1952 से लेकर 1962 तक एक मोटरसाइकिल बना रहा था जिसका नाम था सुपर मीटियोर। ये एक ब्रिटिश मोटरसाइकिल थी। रॉयल एनफील्ड इसे एक्सपोर्ट कर रहा था यूएसए को। वेल, लेट्स टॉक अबाउट द न्यू रॉयल एनफील्ड मीटियोर। कंपनी के सीईओ मिस्टर विनोद दासारी ने कंफर्म किया है कि ये बाइक जून 2020 के एंड तक लॉन्च हो जाएगी। Well, let's hope for the best. वैसे मीटियोर देखने में थंडरबर्ड जैसी ही दिखती है और ये बाइक रॉयल एनफील्ड के जे प्लेटफॉर्म की पहली बाइक है जो कि रॉयल एनफील्ड की सभी फ्यूचर 350cc बाइक्स में यूज किया जा सकता है। जे प्लेटफॉर्म का मतलब है इसकी चैसी में डबल क्रेडल फ्रेम है। ये बाइक थंडरबर्ड को रिप्लेस करने वाली है। इस बाइक में आपको बहुत सारे फैक्ट्री लेवल कस्टमाइजेशन करने का भी ऑप्शन मिलेगा। जी हाँ, यानी कि आप बाइक को खरीदने से पहले ही इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हैं रॉयल एनफील्ड की फैक्ट्री में। अगर थंडरबर्ड से कंपेयर करें तो इसमें आपको जो चेंजेस देखने को मिलेंगे वो ये हैं। इसका टैंक रीस्टाइल किया गया है थंडरबर्ड के कंपैरिजन में। साइड पैनल्स भी चेंज किए गए हैं। फ्रंट फेंडर को थोड़ा छोटा कर दिया गया है। इंडिकेटर्स और ब्रेक लाइट को अलग अलग स्टाइल किया गया है और पोजीशन भी चेंज की गई है। थंडरबर्ड की फ्यूल कैप ऑफ सेंटर थी, इस बाइक में सेंटर में दी गई है। अलॉय व्हील की डिजाइन भी चेंज है, इसमें वाई शेप के स्पोक्स दिखेंगे आपको। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसमें डबल क्रेडल चैसी है। राइडिंग पोजीशन भी क्रूजर स्टाइल की हो जाती है। ध्यान से देखेंगे तो फुटपेग्स को थोड़ा आगे शिफ्ट कर दिया गया है 2 या 3 इंच से। इससे लॉन्ग राइड्स में बहुत कंफर्ट मिलेगा आपको। और हाँ, चेन स्प्रॉकेट को देखें तो राइट की जगह लेफ्ट में आ गया है और डिस्क और कैलिपर जो है वो लेफ्ट से राइट में आ गया है। इसमें किक स्टार्ट मिसिंग है, यानी कि आपको सिर्फ सेल्फ स्टार्ट ही मिलेगा। और हाँ, जैसा कि पहले रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में 5 गियर आते थे, इस गाड़ी में आपको 6 स्पीड गियर्स मिलेंगे। गियरबॉक्स बहुत छोटा है। इंजन 350cc SOHC यानी कि सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट। और जो पुश रॉड वाले UC इंजन्स हैं वो अब यूज नहीं होंगे, जिससे कि आप बहुत अच्छी स्मूथनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं और वाइब्रेशन भी बहुत कम होंगे इसमें। ओवरऑल देखें तो रॉयल एनफील्ड एक बिल्कुल नई मोटरसाइकिल लेकर के आ रहा है जिसमें न सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, इसमें आपको इंजन नया मिल रहा है, इसमें आपको चैसी नया मिल रहा है, इसके अंदर आपको नए फीचर्स मिल रहे हैं, 6 स्पीड गियर्स मिल रहे हैं, इसका जो क्रैंक केस है वो बिल्कुल आपको 650 ट्विन्स के जैसा दिखता है, इसका कॉन्सोल नया है, इसके जो स्विचेस हैं वो रोटरी स्विचेस हैं, एंड इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.7 लाख के आसपास रहेगी। एंड दैट्स इट, यही इन्फॉर्मेशन है मेरे पास में मीटियोर को लेकर के अभी तक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। राइड ऑन एंड राइड सेफ। थैंक यू सो मच।